आदि 13.3 में शंकु के वक्रपृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए शंकु क्या होता है। शंकु जैसे आप लोग देखते होंगे होली के समय बहुत से बच्चे एक टोपी लगाते हैं, इसको मंकी टोपी सर पर लगाते हैं, तो उसकी आकृति इस तरह से होती है, इस तरह की आकृति होती है, इस तरह की टोपी बच्चे लगाते हैं, तो यह एक शंकुआकार है, एक शंकु है। शंकु जैसे आपने बेलन के बेलन पढ़ा था, आप बेलन पढ़े थे, ये था बेलन। तो बेलन में से जैसे यहां से आपने इस तरह से भाग काट लिया, इस तरह से ये भाग में काट लिए, तो ये जो आकृति कटी हुई मिली ये आपकी हो गई शंकु, ये आपका शंकु है। शंकु में ये इसका पूरा परिधि, इसका परिमाप हो गई, और यहां से यहां तक इसका ये व्यास हो गया, ये जैसे ओ है, ये है त्रिज्या हो गई, ओए ओए त्रिज्या हो गई, और यहां से इस पे ये जो अभिलंब खींचते हैं ये हो गई बी, ओ बी हो गई शंकु की ऊंचाई, शंकु की लंबवत ऊंचाई हो गई ओ बी एच, और आपका जो ओए है वो त्रिज्या हो गई आर, वो त्रिज्या हो गई, मतलब कि आपका जो ओ बी है वो हो गया एच और ओए हो गई आपकी त्रिज्या आर। और शंकु में जैसे ये जो होता है ये इस तरह से तिरछा, इसको हम लोग तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, इसको यल से लिखते हैं, ये हो गई तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई हो गई, इसको हम लोग यल से लिखते हैं, तो ये तिरछी ऊंचाई हो गई, और इधर आपकी ये तिरछी ऊंचाई हो गई, तिरछी ऊंचाई हो गई, ये मतलब कि ओ बी जो है आपका, सॉरी ए बी, ए बी तिरछी ऊंचाई हो गई, यल ये मेन ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये तिरछी ऊंचाई ये हो गई। तो हमें अगर शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना हो, शंकु का वक्रपृष्ठ या पार्श्व पार्श्व पृष्ठ निकालना हो, शंकु का वक्रपृष्ठ पार्श्व पृष्ठ, तो ये जो नीचे का इतना जो क्षेत्रफल है इसको हम छोड़ देंगे, जो ऊपर जितनी नीचे की एरिया छोड़ने के बाद ऊपर कि जो एरिया कवर करेगा, मतलब कि शंकु को बनाने के लिए जितने कपड़े की या किसी चीज की जो आवश्यकता पड़ी है नीचे को छोड़ करके, तो उतनी एरिया कहलाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ कैसे निकालना है, देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर होता है एक बटे दो गुणित्ते आधार, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणित्ते इसकी होती है सीधी ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणित्ते ऊंचाई इसकी सीधी ऊंचाई, शंकु का वक्रपृष्ठ आधार का परिमाप गुणते ये तिरछी ऊंचाई, तिरछी 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 ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तो आधार का परिमाप क्योंकि ये वृत्ताकार भाग है, ये नीचे का भाग वृत्ताकार है, तो इसकी जो इसका जो परिमाप होगा वो 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर इसका परिमाप 2 पाई आर हो जाएगा, और ये तिरछी ऊंचाई जो होगी वो एल होगी, तिरछी ऊंचाई हो गई एल, तो ये 2 से 2 आपका कट गया और ये बच गया
यल शंकु के वक्र पृष्ठ निकालने का सूत्र हो गया है। शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने का सूत्र ये हो गया आपका। पाई का मान 22/7 होता है, आप जानते हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको रख लेंगे। अच्छा अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो यल है, हमें ये जो आर है ये पता है, इसकी जो मेन ऊंचाई है एच है वो पता है, तो यल कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए, ये एक संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, ये एक संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, तो इसमें ये आपका हो गया कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा संपूर्ण त्रिभुज ओ ए बी में, संपूर्ण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, अर्थात यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर हमें एच का मान दिया हो, आर का मान दिया हो, तो यल का मान भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और शंकु का देखिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाएगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल, आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, तो इस दोनों में पाई आर का कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन ले लिए तो बचा एल प्लस आर, ये शंकु का हो गया संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर। इस सूत्र की सहायता से हम सभी लोग शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका 13.3 प्रश्नावली का, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पहले तो आधार का व्यास दिया है, ये डी दिया है 10.5 सेमी, इसकी त्रिज्या आप निकाल लीजिए, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 10.5/2 सेमी, ये त्रिज्या हो गई। त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करते हैं, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेमी है, त्रिज्या ऊंचाई को एल से लिखते हैं, त्रिज्या ऊंचाई एल से लिखते हैं, इसलिए त्रिज्या ऊंचाई इसकी 10 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल का मान 22/7, आर का मान 10.5/2 और एल का मान 10, ठीक है, ये आपका कट गया। 7 इसको काट लीजिए, 7 × 7 = 35, फिर 2 से इसको काट लीजिए 11, ये हो गया आपका 11 × 15,
10 का गुणा कर दीजिए इसमें 15, तो ये हो गया आपका 11 गुणित 15, 15 एकम 15 ये 5 देख आया, 15 एक 15 16 165 सेमी का स्क्वायर। ये आपको कहा हो गया शंकु के का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 सेमी स्क्वायर। इस तरह से आप पृष्ठ निकाल सकते हैं शंकु का। उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये। तो देखिए सबसे पहले दिया है x बराबर 10, r मान दिया है 24, तो पहले तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई l निकालेंगे। तो ये सूत्र आपको याद होगा, l इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां हमने एच का मान 24, सॉरी एच का मान हमारा जो है वो 10, आर का मान 24 रख देंगे। तो ये हो गया आपका 100 प्लस 24 का होता है 24 का गुणा करेंगे तो 576 आता है। फिर ये जोड़ेंगे 676, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 26 आता है। वर्गमूल निकालना हम जानते हैं, जैसे इधर से 2 का जोड़ा बना लेते हैं, फिर ये 6 है, तो एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका कि उसी में गुणा करें तो इससे ज्यादा ना हो। तो ये हो गया 2 × 2 = 4, फिर घटा दिया गया 2, फिर यहाँ 2 को जोड़ दिया जाता है, ये 4 हो गया, इसको उतार लीजिए हो गया 276। एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका कि उसी में गुणा करें तो 6 आए। एक तो होता आपका होगा क्या नाम है, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 आता है, और यहाँ 2 × 2 = 4 था, ये 46 हो गया। 6 ले लिए तो 6 का 6 में गुणा किए तो हो गया 36, 3 × 6 = 24 × 3 = 27। इस तरह से इसका मान आया 26। यह कक्षा 8 में वर्गमूल निकालना आप सीखे हैं, जानते हैं, अगर नहीं भी जानते होंगे तो उसका अभ्यास कर लेंगे अगर भूल गए होंगे तो। ये 26 हो गया आपका एल। अब कह रहा है कि तंबू लगे कैनवस की लागत निकालनी है, तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, तब हमें इसके लिए हमको तंबू का निकालना होगा वक्र पृष्ठ, तंबू दूसरे के लिए तंबू का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7, गुणते आर है आपका, आर का मान है 24, और 26 आपका आया हुआ है क्या एल का मान। तो इस तरह से आपका हो गया इतना मीटर स्क्वायर, और जो कैनवस है अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस है तो उसकी लागत आती है 70 रुपए। तो तंबू को बनाने में लगे कैनवास की लागत बराबर हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए, 70 का गुणा कर देंगे 22/7 गुणते
चौबीस गुणते छब्बीस गुणते सत्तर, सात दहाने सत्तर। अब आप गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो तंबू को बनाने में लगे कैनवास की लागत आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, 22, 24, 26 और 10 का आपस में गुणा कर लेंगे तो इतना आपका आएगा 1,37,280 रुपये आपका एक खर्च आएगा। इसको आप गुणा कर लीजिएगा, 22 का 22 में 24 का, 24 में 26 का, 10 का गुणा कर लेंगे, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा।